गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी बी स्टडिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक। यस्टरडे हम लोगों ने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब के बारे में, और उसी से जुड़ा हुआ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉम्प्लीमेंट, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट को हम जो है पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि जब हमें वर्ब से पूरा मतलब ना मिल रहा हो, ठीक है, तो हम उसमें कॉम्प्लीमेंट वर्ड ऐड करते हैं ताकि जो है उससे हमें पूरा मतलब आ जाए, इसीलिए इसको हिंदी में पूरक कहते हैं। अगेन कॉम्प्लीमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अनदर इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चक्कर क्या है, विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस। अब आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, वर्ब क्या है, वॉज है। अब आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। कौन खुश था, मैं खुश था। तो जब वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे ना जाकर के सब्जेक्ट पे पड़े, वेन द प्रेशर और यू कैन से द मीनिंग डज नॉट गो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जब वर्ब का मतलब या वर्ब का क्वेश्चन या वर्ब का दबाव या वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बात ना करे, वो सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, तब हम ऐसे को कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई शी कॉल्ड हर ब्रदर बैक, उसने अपने भाई को वापस बुला लिया। अब शी कॉल्ड, उसने बुलाया, शी कॉल्ड, कॉल्ड यहां पे वर्ब है, वर्ब का ही सारा खेल है बेटा। शी कॉल्ड हर ब्रदर बैक, अब कॉल्ड बुलाया, किसको बुलाया, अपने भाई को। जवाब देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट पे जवाब मिल रहा है, किसने बुलाया, उसने बुलाया, लेकिन किसको बुलाया, यहां पर वर्ब कह रहा है किसको बुला रहे हो, अपने भाई को वापस बुला लिया। तो ये हमारा कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांसिटिव, क्योंकि जब हमें किसको या क्या, व्हाट और हुम का जवाब मिलता है वर्ब से, तो हम उसको ट्रांसिटिव मानते हैं। तो उसने किसको बुलाया, अपने भाई को वापस बुला लिया। तो अब वर्ब का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है, उसने बुलाया तो हमारे दिमाग में ख्याल आएगा किसको बुलाया, अपने भाई को बुलाया। तो हर ब्रदर, शी कॉल्ड हर ब्रदर बैक, अब वर्ब जो है किस पे प्रभाव डाल रहा है, ऑब्जेक्ट पे। तो ऐसे ये जो पूरा हिस्सा हो जाएगा, दिस विल बिकम, भले ही ऑब्जेक्ट लगा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जब वर्ब, सीधी सी बात है, जब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पे ना पड़ करके ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तब वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, और जब वर्ब का प्रभाव, वो भी कौन सा वर्ब, थर्ड सेंटेंस देखिएगा ध्यान से, दे लुक अपसेट टूडे, आज वो लोग उदास दिख रहे हैं। लुक अनदर वर्ब, हम और आप सब जानते हैं वर्ब है। अब दे लुक अपसेट टूडे, वे आज उदास दिख रहे हैं, तो कौन आज उदास दिख रहा है, चाहे यहां पर आप लुक से ये पूछ सकते हो कि क्या उदास दिख रहा है, नहीं, कौन उदास दिख रहा है, तो दे यहां पर जवाब आ गया। तो जब ये आपको दिमाग लगाना है माई डियर स्टूडेंट्स, कि वेन ऐसे वर्ब जो कि वॉट और हुम का सवाल हमसे ना करे, अब लुक हमसे व्हाट और हुम का जवाब नहीं, सवाल नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉल्ड हमसे कर रहा था, उसने किसको बुलाया, हुम, तो वो भाई का जवाब मिला, किसको बुलाया, भाई को, लेकिन कौन यहां पर है अपसेट, लुक का प्रभाव इधर नहीं पड़ रहा है, यहां पर कोई प्रभाव नहीं है लुक का, लुक का प्रभाव यहां पड़ रहा है सब्जेक्ट पे, तो इसको फिर हम क्या कह देंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यही है, इसमें तुम्हारा फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, जेरंड भी हो सकते हैं, पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो ट्राई टू गो थ्रू दिस वीडियो कॉम्प्लीमेंट, सीधी सी बात समझिए, जैसे कि लिंकिंग वर्ब में कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि लिंकिंग वर्ब क्या है, सब इंट्रांसिटिव वर्ब है, और जब इंट्रांसिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करता, लिंकिंग वर्ब जो है इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, इसीलिए उनको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे वर्ब जो ट्रांसिटिव है, जिनसे व्हाट और हुम का सवाल निकल रहा है,
उनको हम क्या नाम है, उनका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उनका प्रभाव अपने वर्ब के पिछले वाले हिस्से पे पड़ता है, बैक साइड ऑफ द सेंटेंस, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। अंडरस्टूड? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, गो थ्रू इट, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास।